आजमगढ़ के ग्राम सभा बिहरोजपुर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का 21वां स्थापना दिवस 27 अक्टूबर 2023 को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव कृष्ण मोहन सिंह और विशिष्ट अतिथि मंडल अध्यक्ष दिनेश राजभर रहे। यह स्थापना दिवस जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजभर के नेतृत्व में मनाया गया, जिसमें जिला प्रभारी सुगंध सिंह ने 21वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दी। इस मौके पर प्रदेश सचिव चंद्रजीत राजभर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मंच शकुंतला राजभर, जिला अध्यक्ष युवा मंच पंकज राजभर, विधानसभा अध्यक्ष मुबारकपुर सूर्यनाथ राजभर, जिला महासचिव संतोष गौड़, ब्लॉक अध्यक्ष राजन राजभर और ग्राम के सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर पवन पुरोहिया न्यूज पर। सतीश चौहान के साथ आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का आज 21वां स्थापना दिवस मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से आपके सुनने और देखने और चाहने वाले लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज वंचित शोषित पिछड़ों की लड़ाई जो भारतीय समाज पार्टी लड़ते लड़ते आज 21वें वर्ष में प्रवेश करके 22वें में प्रवेश कर रही है, और माननीय नेताजी आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो वंचित समाज हैं, गरीब पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिनकी लड़ाई सदन से लेकर के सड़क तक आपने देखा होगा लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई को आगे और अंजाम देने के लिए भारतीय समाज पार्टी अपने पथ पर अग्रसर है। जनता को संदेश हम यही देंगे कि माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी पर विश्वास रखकर भारतीय समाज पार्टी का साथ दें, अपने नेता का साथ दें, उनके हाथों को मजबूत करें, ताकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के हक और अधिकार को दिलाने का काम करें। आने वाले 2024 का क्या राजनीति रहेगी आप? 2024 माननीय नेताजी के नेतृत्व में जो लड़ाई होगी आप देखिएगा। 2024 ओम प्रकाश राजभर जी जिधर जाएंगे विजय पताका उधर ही जाएगा। अभी हम लोग अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, गांव चलो अभियान हर समाज के लोगों का जोड़ने का काम हो रहा है। 2024 हमारी मजबूती के साथ लड़ाई होगी। मैं कृष्ण मोहन सिंह, प्रदेश महासचिव। क्या कहना चाहेंगे आज जो स्थापना दिवस को लेकर? आज हमारी पार्टी का 21वां स्थापना दिवस है। आज इस स्थापना दिवस पर पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एवं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सबसे पहले, और आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस बार तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, कितने सीट से जीत होगी? 80 लोकसभा जिला जीतेंगे, 80 सीटों पर। क्या उम्मीद है कि 80 सीटों से जीत होगी? एनडीए का गठबंधन है, एनडीए में है।